topic. Now, step is instead of initiating a business from the very beginning, we can also buy the existing business. That will save the time to establish business. Is the voice clear? सर बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी. आप कैसे आ रही है? हेलो सर, ठीक आ रही है. एग्जिस्टिंग बिजनेस, डोंट रश इन टू द डील. इसका मतलब ये है कि आप जल्दबाजी ना करें, किसी बिजनेस को चलते हुए देखें और आप समझें कि इसको फौरन खरीद लें. ये मिस्टेक कभी ना करें जब तक आप इवैल्यूएशन ना कर लें इसको, तो बिजनेस को खरीदने की ज़रूरत नहीं है. देखें, कोई चीज़ खो दें वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत जल्दबाजी में गलत चीज़ ले लें, क्योंकि वो तो 100% लॉस है. कोई चीज खो देने का मतलब है कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बाय समथिंग एल्स. तो एटलीस्ट आपके पास फंड्स तो होंगे, मगर आपने अगर गलत तरीके से फंड को इन्वेस्टमेंट कर दिया है, देन यू आर इन प्रॉब्लम. तो कोई भी अगर कहता है कि 3 दिन में कर दें ये काम, 1 दिन में कर दें, देखें बहुत अच्छी डील है, विदाउट कैलकुलेटिव रिस्क you should not rush for any deal in life, chahe wo business ho ya koi aur koi cheez ho. ye jaldbazi mein jo decision lete hai na, wo experience aadmi to le sakta hai kyunki usko past experience hota hai, market ki awareness hoti hai, ye sari cheeze unke paas hoti hai, magar naya aadmi ko to soch samajh ke kaam karna hoga. jab tak wo process se na nikal jaye, ek ek cheez evaluate na kar le, to कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई एक डील खो जाएगी तो दूसरी नहीं आएगी. सबसे पहले आप ये देखेंगे, इज द बिजनेस जो आप चाहेंगे खरीदना, क्या डू यू हैव अ फील दैट यू कैन रन दैट बिजनेस. मेरी बात दो चीज को ख्याल रखें, बिजनेस तो बहुत अच्छा है मगर सर ये मैं नहीं चला सकता. फर्क है यहाँ पर, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को जानते हैं अच्छी तरह से, तो दूसरा आदमी भी जो आपको राय दे रहा है उसकी स्ट्रेंथ अलग है, उसकी वीकनेसेस अलग है. तो आप जो आप जिसका सजेशन ले रहे हैं, आप उसको आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जिस बिजनेस के बारे में आप उससे पूछ रहे हैं, क्या उसको अवेयरनेस है, क्या उसको एक्सपीरियंस है उसके बारे में, या उसको एक्सपीरियंस किसी और बिजनेस में है और आप उनसे राय ले रहे हैं किसी और बिजनेस का, तो ये सही नहीं होगा. मार्केट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मगर मार्केट के भी डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. कोई सेगमेंट्स प्रॉस्पर करता है, कोई नहीं कर रहा है, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आप इवेल्यूएट करेंगे तो अलग अलग चीज़ें आ रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं. इसलिए हर डिसीशन के पीछे इंफॉर्मेशन बैंक है. या तो वो बैंक आपके पास हो, या तो वो बैंक आपके पास हो कि यू हैव इनफ इंफॉर्मेशन, या ऐसे आदमी से पूछें जिनके पास इंफॉर्मेशन हो. तो बिजनेस इज द राइट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर सेल इन द मार्केट इन विच यू वांट टू ऑपरेट. व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस. अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और बिजनेस इटसेल्फ आपको लगता है कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये बता रही है कि बिजनेस बहुत सक्सेसफुल है, तो पहले तो ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं वो सही है या नहीं, और कॉम्पिटिटर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट में उनको भी इवैल्यूएट करें, क्योंकि वो ही बताएंगे कि बिजनेस कंडीशन कैसी है. बेचने वाला तो हमेशा ही कहेगा बिजनेस बहुत अच्छा है, और इतना मेरी फेक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने में क्या टाइम लगता है. डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप
मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं, मार्केट इटसेल्फ होती है, गो टू द डिफरेंट स्टोर एंड फाइंड आउट द सेल्स कितनी है इस प्रोडक्ट की जो जो आप खरीदना चाह रहे हैं। कॉम्पिटिटर से इंफॉर्मेशन लें कि डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में, और वो सारी चीज़ें देख लें। हर बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं कि एक बिजनेस आप ऑलरेडी चला रहे हैं तो दूसरा बिजनेस भी आप चला लेंगे, ठीक है। अक्सर ये होता है कि जब ग्रोथ होती है, हमने क्या स्टार्ट किया कि एंटरप्रेन्योरशिप में कि यू स्टार्ट विद एन आइडिया और आइडिया को यू पुट इनटू रियलिटी, जो आप कहते हैं इनोवेशन। तो क्रिएटिव प्लस इनोवेशन का काम लेते हुए एंटरप्रेन्योर एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एक बिजनेस बना डेवलप करते हैं। मगर उस प्रोडक्ट के बाद एक तो सिंगल प्रोडक्ट, क्या वो उससे स्टार्ट करेगा या ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस को ही रन करने में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है। अच्छा, व्हाट चेंजेस विल यू हैव टू मेक? शायद आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं, लोकल चल रहा हो, और आपकी आप समझ रहे हो कि मैं इसको एक्सपोर्ट करूं या डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर लेके आऊं बिजनेस को, कि उसमें मुझे जानने वाले हैं। देखें ना, प्रोडक्शन फैसिलिटी अलग चीज़ है और कस्टमर का बेस है वो अलग चीज़ है, कस्टमर का बेस अलग चीज़ है। तो हो सकता है कि आप प्रोडक्शन फैसिलिटी एक अवेल कर लें और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स को नीड पूरी करें, या वो सेम कस्टमर्स को आप रखना चाहेंगे, ये अलग मतलब डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट चेंजेस विल यू हैव टू मेक। और दूसरी बात है कि बिजनेस ऑपरेटिव मशीन इतनी ओल्ड हो जाए, चीज़ें इतनी आउटडेटेड हो जाएं कि आप उस वक्त तो चलती भी नज़र आई और पता चला 2 महीने में फॉल्ट आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर सेंटर ही ले लें आप, अभी आपने कोई कंप्यूटर सेंटर खरीद लिया है बिजनेस के लिए और पता चला सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उसके अपग्रेड कराने की ज़रूरत है क्योंकि सामने कंप्यूटर में सब लेटेस्ट चीज़ आ गई है, तो आप क्या करेंगे? पता चला वो सारी इन्वेस्टमेंट आपके पानी में चली गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि आपको तो नहीं इन्वेस्टमेंट करने की। तो अब जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी उस पर तो एक पैसा भी नहीं कमाया अभी, और आप फंस गए। तो अक्सर लोग जल्दबाजी के अंदर, और ये जो चीज़ें हैं जो मालूम करने की होती है आया कि हमें करनी चाहिए या नहीं, जल्दबाजी में डिसीशन ले लेते हैं। तो वो ऐसा डिसीशन होता है कि और क्यों फंसे, मैं क्यों ना फंस जाऊँ, फ़ायदा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि जो स्टेप्स बताए जाते हैं आपको, ये तो आप करें ही करें, इसके अलावा आपके जहन में कुछ बात है कि नहीं ये भी हो जाना चाहिए, ये भी इवेल्यूट करें, तो मना थोड़ी है। ये तो खाली स्ट्रक्चर्ड चीज़ें, कम से कम ये तो मालूम कर लें आप। हाँ, इसमें से कोई चीज़ छोड़ दी आपने तो वो एक होल होगा जो पूरे जहाज को डुबो सकता है, कि मैंने ये चीज़ नगर नहीं देखी तो बाकी चीज़ तो देखी थी ना। तो अक्सर के जवाब यही होते हैं, एक ज़रा सी चीज़ मिस कर दी तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं देखी, और वही चीज़ इम्पॉर्टेंट हो तो, या वो नहीं भी हो इम्पॉर्टेंट, छोटी सी इम्पॉर्टेंट हो, छोटा सुराख भी तो डुबो सकता है जहाज को। तो बात यह है बेसिकली कि यू हैव टू गो टू द प्रोसेस। पढ़ने का मतलब ये है कि आपको पता है कि ये चीज़ किस किताब में है, कहाँ लिखी हुई है, क्या मैं रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं कोई डील करूं। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपकी मेमोराइज हो जाएगी और हमेशा आपको याद रहेगी, प्लीज़। तो मैं आप उस बेसिस के ऊपर लोगों को एडवाइस देना शुरू कर दूं कि जो मुझे याद है चलो ये तो कर लें आप। तो अब जाहिर है जिसको कुछ नहीं पता उसको आपने बताया तो आप तो बड़े लिटरेट हो गए उसके सामने, मगर वो भी है कि हाफ नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, तो वो भी मुश्किल हो गई कि सार पता ही नहीं है सामने वाला, तो आप भरोसा कर लेगा आप पर कि आप बोल रहे हैं चलो ऐसे ही कर लें। तो हर चीज़ को जानना समझना की ज़रूरत है। व्हाट प्राइस एंड पेमेंट मेथड आर सूटेबल? इज द सेलर विलिंग टू फाइनेंस द पार्ट ऑफ द परचेज प्राइस? क्या मतलब कि वो अपना शेयर भी रखना चाहता है कुछ एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर? तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है और कोई और रीज़न की वजह से वो बेच रहा हो बिजनेस, और उसका मौजूद होना बिजनेस के अंदर
एक गुडविल रहेगी बिजनेस के नाम के साथ साथ उस आदमी की, अगर उस आदमी की जो गुडविल है बहुत अच्छी हो। हाँ, अगर उसकी गुडविल नहीं है और बिजनेस इसलिए बिक रहा है कि उसकी डीलिंग खराब है, तो उसका होना आपके लिए नुकसानदेह होगा फिर, क्योंकि वो शायद आपके कंधे पे बिजनेस चलाना चाहता है कि आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो लोग आपसे डील करेंगे तो उसमें कुछ फायदा उसको भी हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखें कि सामने वाला अगर आ रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है या बिजनेस में अपना शेयर रखना चाहता है, इवन दो ही सेलिंग हिज बिजनेस टू यू, वो वजह जानना बहुत जरूरी है। फिर है, विल द कंपनी जनरेट सफिशेंट कैश टू पे फॉर इट सेल्फ एंड लीव यू विद अ सूटेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब है कि बिजनेस सस्टेन तो कर सकता है, मगर हम बिजनेस को कोई सस्टेनेंस के लिए खरीद नहीं रहे हैं कि वो चलता रहे। बिजनेस चलता रहे, आपको कोई रिटर्न ना मिल रहा हो, आपको फायदा नहीं हो रहा हो, तो कोई मतलब नहीं है बिजनेस चलाने का। बिजनेस इज देयर फॉर मेकिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जनरेशन नहीं हो जब तक तो बिजनेस नहीं हो सकता। अब देखें, यहाँ पर दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है रेट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है, अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो कितने हजार रुपए आपको महीने के मिल रहे हैं या साल के, वो रेट ऑफ रिटर्न हो रहा है। रेट ऑफ रिटर्न को विल डिटरमिन योर कि आपके बिजनेस कितने टाइम में पे बैक कर देगा। अब ये जरूरी है कि पहले कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट कितने साल में रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि जो रिटर्न आपको आ रहा है बेसिकली वो जो आपको लग रहा है प्रॉफिट, वो अभी प्रॉफिट तो कब होगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी निकल चुकी हो बिजनेस से। वजह ये है कि अभी आप ये समझ रहे हैं कि 2 साल में पेबैक हो जाएगा बिजनेस, और फर्ज करें कि 1 साल में कॉम्पिटिटर्स इतने आ जाते हैं कि पहले साल का रेट ऑफ रिटर्न तो बहुत अच्छा था जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये कैलकुलेशन की थी कि 2 साल में पैसे आ जाएंगे, मगर 1 साल के बाद कॉम्पिटिटर्स इतने आ गए कि आपका रेट ऑफ रिटर्न गिर गया, तो पता चला पे बैक पीरियड जो था वो एक्सटेंड हो गया और आपका अब मुश्किल हो गया आपको। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये देखो, पे बैक एक तो है पे बैक पीरियड जो आपको बताता है कि कितने साल में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा, तो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी उसके बाद ही स्टार्ट होगी ऑब्वियसली। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंस के अंदर ये आप सीखेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि 100 रुपये जो कल मिलेंगे तो आज कितनी है इसकी वैल्यू। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे 100 रुपये मैंने बैंक में आज जमा करा है, तो 1 साल बाद मुझे 10% अगर इंटरेस्ट रेट है तो 110 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब आपको ये हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। अब इसको रिवर्स कर दें, अगर कोई ये कहे कि मैं आपको 110 रुपये 1 साल बाद दूंगा, और अचानक से वो कहे चले आज ले लें, तो क्या वो 110 देगा? नहीं, वो कम देगा, डिस्काउंट कर देगा उसको, ताकि वो आज आज उस पैसे जो 110 रुपये कल हैं आज उसकी वैल्यू कम है। अब देख लेना, आप यूं ही ज़रा सा एक माइंड में कॉन्सेप्ट में ये ले आए कि अगर 100 रुपये वो आज दें जो 1 साल बाद 110 रुपये आपको देने हैं, तो 100 रुपये बैंक में जमा करा दें आप तो 1 साल बाद वो 110 हो जाएंगे। उसका मतलब है वो डिस्काउंट किया जो एग्जैक्टली नहीं है 100 रुपये, वो शायद ऊपर नीचे ज़रा सा होगा फ्रैक्शन, मगर अभी समझाने के लिए मैं आपको राउंड फिगर ले रहा हूँ। तो वो 100 रुपये आप आज देंगे तो वो 1 साल बाद 110 हो जाएंगे, तो उसका मतलब है 1 लाख रुपये आपको 1 साल बाद प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो वो आज की डेट में 1 लाख नहीं, वो कम होंगे, क्योंकि डिस्काउंट हो जाएगा वो कि आज कितने होने, आज मिल जाए वो प्रॉफिट। जाहिर बात है आप बैंक में जमा करा दें तो वो 1 साल बाद 1 लाख हो जाएंगे। तो बिजनेस में बेसिकली एक तो पेबैक पीरियड काउंट होता है, एक होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
जो अभी इस पे नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, मगर आपको एक इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कैलकुलेशन के बगैर आप बिजनेस को नहीं, इसके रिटर्न को एक्चुअली डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। तो जब ये फाइनेंस पढ़ेंगे आप तो इसमें आ जाएगा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक्चुअली ये सब्जेक्ट से ये खाली एक तो ये सब्जेक्ट के बारे में आप जान गए कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और इसमें किस चीज़ की कितनी अहमियत है। तो वह जबकि ये सब्जेक्ट होना चाहिए एंड में, तो आप पहले पढ़ रहे हैं, तो पहले पढ़ने का आप नेगेटिव सोचें ना, पॉजिटिवली सोचें कि इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो आपको बता रही है कि ये आपको जानना है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोर्सेज आएंगे आपको सेमेस्टर में तो आपको हेल्प करेंगे, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए ये चीज़ हमें सीखने मिलेगी और इससे हम ये बिज़नेस को अच्छी तरह से रन करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं इसको पॉजिटिवली इंटरप्रेट करूँ तो इस कोर्स में जो जो चीज़ें अभी आपको बताई जा रही है वो उसके बारे में पूरे सेमेस्टर्स होंगे, तो ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बढ़ जाएगी एंड देन यू कैन रन द बिजनेस ऑन योर ओन। Advantages of buying an existing business. The recent survey, 60% of the business owners intend to leave the companies within next decades. This is the opportunity for entrepreneurs to buy that business. ठीक है, following are the advantages. अच्छा, एक और चीज बता दें, बहुत से लोग business establish करने के माहिर हो, they undergo the painful process of establishing a business and they are experts. वो business establish करके बेच देते हैं और बहुत से लोग business चलाने के expert होते हैं. They wait for such opportunities कि कोई बेच रहा हो तो मैं ले लूँ. Why go through the hassle of establishing a business? तो वो buy existing business को खरीदते हैं और आपको देखना पड़ेगा आपकी strength और weaknesses क्या हैं और opportunities और थ्रेट्स क्या नज़र आ रही है मार्केट में और आप करेंगे अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि बाइंग अ बिजनेस की कॉस्ट क्या है और उसके कॉस्ट कितनी है और उसके बेनिफिट कितने हैं। भैया ये जो कॉन्स्टेंटली आप इवेल्यूएट करेंगे, देखें लाइफ के अंदर आपकी सक्सेस और फेलियर इज डिपेंडेंट अपॉन योर डिसीजन, यू हैव टू एग्री दिस पॉइंट कि ऑल योर प्रीवियस डिसीजन हैज ब्रॉट यू हियर and all today's decision will take you somewhere. अगर आप decision सही नहीं लेंगे तो गलत जगह पहुंच जाएंगे और decision लेने के लिए information ज़रूरी है। इसको दो राय नहीं है कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। This is the only process of which you have to follow. अब जब मैंने कहा कि कुछ लोग establish करने business के बनाने में माहिर होते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ ये कि आपने एक बिजनेस खोला और आपने किसी और को बेच दिया, ठीक है, तो यू मेक इनफ मनी कि आपने एक साल में एक बिजनेस स्टैब्लिश किया, थोड़ा चलाया 6 महीने, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी लेके आए और बेच दिया, फिर आपने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं इन डेवलपिंग बिजनेस। तो वो आदमी ज़्यादा पैसे कमाता है एकदम, मगर कोई चलाते थे माहिर होते हैं तो वो देखते हैं कौन कौन से बिजनेस बिक रहे हैं और वो उसको बाय करते हैं मार्केट में एंड दे आर गुड एट ऑपरेटिंग बिजनेस। तो आप अपनी भी स्ट्रेंथ देख लें कि कहाँ पर फॉल करती है और किस तरह से चलनी चाहिए। फिर सक्सेसफुल एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफन कंटिन्यूस टू बी सक्सेसफुल, जो चल रहे होते हैं फूड जॉइंट्स है, एक जगह चल रहा है और ब्रांड भी है, फ्रेंचाइज चल रही है, तो अचानक से गिर नहीं जाती है वो अनलेस कि कोई लोकल या ब्रांड्स को उस एरिया में स्पेस ही नहीं है। सपोज़ मतलब देखें ना, हर बिजनेस को लोकेशन की ज़रूरत है। आप उस लोकेशन को ख़रीद लेते हैं कोई एक और वो बिज़नेस चल रहा हो तो उसके आसपास की बिल्डिंग में कोई टूटेगी नहीं एक नया आउटलेट खोलने के लिए। आपको पता है यहाँ कोई और प्लेस नहीं जो खुल सकती है, तो ऐसी प्लेस तो सक्सेसफुली होती है। तो ऑल दिस लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंस ऑफ द बिजनेस। इसके लुकिंग फॉर अ पेट्रोल पम्प और सुपरमार्केट और ईटिंग जॉइंट, यू रिक्वायर ऑल दिस सेंसेस के अच्छा एक ही रोड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मेक्स अ डिफरेंस कि लोग ज़्यादातर शॉपिंग किस वक्त में करते हैं, तो उस वक्त धूप कहाँ होती है, ट्रैफिक कहाँ होता है, लोग कहाँ जा रहे ट्रैवल कर रहे होते हैं,
अब सुबह के टाइम पे जब मैं गोइंग टू ऑफिस, कोई रुक के खरीदारी नहीं करता है, वो अगर उस ट्रैक पर है उस पर जा रहे होते हैं और शाम को जिस ट्रैक से आ रहे होते हैं दे हैव इनफ टाइम, तो वहाँ दुकानें ज़्यादा चल रही होती हैं, तो सक्सेसफुल होती है। तो आपको हर तरीके से देखना पड़ेगा कि किस बिजनेस के लिए लोग क्या देखते हैं। एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स आर इन प्लेस, आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपको सेट नहीं करने पड़ेंगे, दे आर टेस्टेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल है तो यू हैव जस्ट हैव टू कीप देम, क्योंकि एम्प्लॉयज का सिलेक्शन और हायरिंग इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस। हमें लग रहा होता है कि अगर 15 आदमी काम कर रहे हैं तो क्या है, 15 आदमी को रख लेंगे ना, आप ज़रा 2 आदमी को रख के देखें कि अगर वो पॉजिटिवली उनका ह्यूमन माइंड फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो दे कैन लिटरली डिस्ट्रॉय योर बिजनेस। तो अगर 10 आदमी में एक आदमी भी ख़राब हो जाए तो बिजनेस ख़राब हो सकता है। ये चीज़ें अभी खाली आप सुन रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे कंपनीज के अंदर दिस बिकम्स अ हेडेक कि 50 आदमी ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक आदमी इसमें सही नहीं है, तो या नाउ योर बिजनेस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज एज स्ट्रॉन्ग एज दैट पर्सन हु हैज गॉट अ लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी एंड हु हैज एटीट्यूड प्रॉब्लम। हमेशा आप याद रखेंगे कि हर चीज़ जो क्लास में डिस्कस होती है वो हर चीज़ काम आने वाली है। एप्टीट्यूड एटीट्यूड पे भी काफ़ी बातें हो चुकी है, तो एप्टीट्यूड ऑब्वियसली कॉलेज में एप्टीट्यूड पे बहुत ज़्यादा जोर है कि मार्क्स और मार्कशीट अटेंडेंस। अब एटीट्यूड अगर ना हो आदमी का तो ये वर्क प्लेस के ऊपर इट रियली डिस्ट्रॉयज योर फ्यूचर, और लोग चाहेंगे कब ये आदमी जाए। इफ दिस इज अ सिचुएशन तो वो एक बड़ी अजीब सी अलार्मिंग सिचुएशन होती है कंपनी के लिए, और लोग उसको शुरू में जब सुनते हैं तो पता नहीं चलता, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस दिस सिचुएशन तो आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसीलिए इंटर्नशिप के ऊपर जोर दिया जाता है कि आप एक महीना भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहें तो आपको अपनी स्ट्रेंथ भी नज़र आना शुरू हो जाएगी और आपको अपनी वीकनेसेस भी नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसलिए जब ग्रेजुएशन के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो थिंग्स बिकम ईजी फॉर यू, यू नो एग्जैक्टली कि आप कहाँ जा रहे हैं और किस टाइप का बिहेवियर आपके साथ होगा तो चलेगा, और क्या लोग देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। ये कोई सिंपल बात नहीं है, और ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इट रियली चेंजेस योर डेस्टिनी। इंस्टॉल कैपेसिटी विद नोन प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर कोई प्लांट चल रहा है तो आपको पता है कि इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है और उसकी रोज़ की प्रोडक्शन कितनी हो सकती है और उसका असर मार्केटिंग मार्केट में माल कितना जा सकता है। इन्वेंट्री प्लेसिंग भी आपको करना नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी है, जा रहे हैं आप मॉनिटरिंग करेंगे, इम्प्रूव कर देंगे। ट्रेड क्रेडिट इज एस्टेब्लिश्ड, क्योंकि सप्लायर जो आपको माल दे रहे हैं देर उधारी पे तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यू रह जाएगा एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, थोड़ी सब चीज़ें। तो बेसिकली इट्स अ टर्न की बिजनेस, आप खाली आपने पैसा दिया और बिजनेस ऑपरेट करने लग जाता है, मगर पैसे देने से पहले सारी चीज़ें वैल्यूएट कर लें थॉरली कि लोग कैसे हैं बिजनेस के अंदर। ये लोग ऐसा ना हो कि वो बिजनेस इसलिए बेच रहा हो कि वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट के लॉज भी होते हैं कि आप, और ये भी नहीं हो सकता कि आप बिजनेस में सारे लोगों को एक साथ निकाल दें और सबको एक साथ रख दें, क्योंकि उनकी भी लॉन्ग हिस्ट्री होती है ऑफ एसोसिएशन विद दैट बिजनेस। तो इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं कि ये बिजनेस में हो जाएगा और कर लेंगे, ऐसा नहीं है। द न्यू ओनर कैन यूज द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस ओनर, उनसे मीटिंग करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप आखिर ये बिजनेस क्यों बेच रहे हैं। देखें सरफेस के ऊपर उनकी बातें कुछ और होगी और डेप्थ में बातें कुछ और होगी। तो आपको अगर मौका मिलता है तो उनके वर्कर्स से भी इंटरव्यू कर लें, सप्लायर से भी कर दें, कस्टमर से भी करें, मतलब सारी नॉलेज आपको होना चाहिए जिनसे आपको डील करना है। खाली बिजनेस को नहीं देखना है, बिजनेस ऑपरेट करने का मतलब ये नहीं कि वो चलाना आता है, नहीं,
हमें तो बिजनेस से फायदा लेना है। क्या माल नहीं मिल रहा है, क्या फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ये हो कि वो रॉ मटेरियल जो वो यूज कर रहा हो वो नहीं मिलेगा, तो आप तो ले लेंगे बिजनेस और फंस भी जाएंगे, फिर आपसे तो कोई बिजनेस लेगा नहीं ना। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन उसके पास है जो आप बिजनेस चला रहा है, तो वो आपके पास तो नहीं है अभी इस वक्त। तो बेसिकली ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट होता है। न्यू ओनर कैन यूज द एक्सपीरियंस ऑफ प्रीवियस ओनर्स और उनसे शेयर करें। एक्सक्यूज मी, ईजियर एक्सेस टू फाइनेंसिंग, क्योंकि क्रेडिट लाइन आपकी बैंक से बनी हुई होती है और बैंक डॉक्यूमेंट्स पे देख रहा होता है कि बिजनेस फ्लरिशिंग है और टाइम पे पेमेंट्स हो रही है, इंटरेस्ट पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बिजनेस ग्रोइंग हो रहा है, तो बेसिकली वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं न्यू ओनर के साथ, क्योंकि उनका ताल्लुक होता है, उनको इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, उनकी पेमेंट्स होने जाना चाहिए, बिजनेस शुड मेक इनफ प्रॉफिट, जनरेट प्रॉफिट सो दैट दे आर एबल टू मेक देयर पेमेंट। इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और बिजनेस की हाई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, बिकॉज तो इनका ऑपरेशन बताएगा कि किस तरह से कि कस्टमर सेटिस्फाइड, इंटरनल कस्टमर भी बिजनेस के सेटिस्फाइड हैं जो कि वर्कर को बोला जाता है, और एक्सटर्नल कस्टमर वो होते हैं जिसको आप माल बेचते हैं, ठीक है। सप्लायर्स आपके सेटिस्फाइड हैं, कौन सा बिजनेस फॉर्म आप चला रहे हैं, किस तरह का बिजनेस है, प्रॉपर्टीशिप है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है। हाँ, ये चेंजेस आप ला सकते हैं बिजनेस के अंदर, कि प्रीवियसली तो प्रॉपर्टीशिप पे चल रहा था बिजनेस, नाउ यू गो फॉर पार्टनरशिप और लिमिटेड फॉर्म। सब के अपने प्लस और माइनसेस हैं। नाउ ये डिपेंड्स अपॉन यू कि बिजनेस को की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है और शेप है वो आप किस तरह दें। ईजीएस्ट फॉर्म तो आपको पता है कि प्रॉपर्टीशिप के ऊपर है कि यू डोंट हैव टू गेट रजिस्टर्ड एनीथिंग। अगर आज चाहें घंटे बाद तो एक लेटर छपाएँ, घर का एड्रेस डालें और बिजनेस स्टार्ट हो गया। मगर प्रॉपर्टीशिप के साथ ये है कि जब बिजनेस एकदम फ्लरिश कर जाता है और नाम इस्टेब्लिश हो जाता है और ओनर खुदा ना खास्ता ना रहे तो बिजनेस भी नहीं रहेगा और नया आदमी उससे एडवांटेज ले सकता है, राइट। तो वो नाम ले सकता है, ब्रांड करा उसके अपने रजिस्टर करा सकता है। ये सारी चीज़ें ड्रॉबैक्स होती हैं और कई बिजनेसेस ओनर के साथ ही मर जाते हैं, क्योंकि हम बिजनेस को हर पॉइंट से एवेल्यूएट नहीं करते हैं। ये चीज आप देखें रोड साइड पे जितने भी बिजनेसेस हैं, एक ही आदमी बैठ के ओनर होता है, वो चला रहा होता है और ही इज मेकिंग इनफ मनी, उसको परवाह नहीं होती कल की, तो ये सब चीजें सोची नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस बाइंग क्या होती है एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि जैसे जैसे एक्सपेंड होगा पैसे ज़रूरत हो जाएगी, पैसे की ज़रूरत होगी, और अगर बिजनेस इज लूजिंग मनी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पर ज़रूरी यह है कि बिफोर यू एंटर इनटू अ डील, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप हम रोड साइड बिजनेस पे उनको नहीं देख रहे हैं जिसको बिजनेस सेंस था कि मैं काम शुरू कर लूँगा और वो बना रहा है, फिर वो एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाते हैं। बहुत से लोग, मतलब 90% लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। और 10% लोग हैं जो आप कहते हैं फलाना फलाना ये बड़े बड़े बिजनेस सिस्टम हो गए हैं आज, तो ज़ाहिर बात है उनके बच्चे एजुकेटेड हो गए और फिर वो बिजनेस को आगे लेके गए हैं। फादर वॉज नॉट इन फेवर बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ कंट्रोल, व्हाट्स एवर कंट्रोल रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। वो ये सारी चीज़ें हैं जो आप रखेंगे कि आपके फैमिली में मैन पावर कितना है कि वो एक्सपेंड जब होगा बिजनेस तो, और फाइनेंस कितना है। आप देखें आदमी कंट्रोल करने वाले कितने हैं और मनी इज़ अ लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस, और कैश फ्लो अगर स्मूथ नहीं होगा तो दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू योर बिजनेस। याद रखें कि जितना बड़ा बिजनेस होगा
वो उतना ही जल्दी गिरेगा अगर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आने लग जाएगी। पेइंग फॉर इल विल, गलत चीज के लिए आपको पे करना पड़ रहा है और ये मुश्किल में आ सकते हैं, तो उसको जरा देख लें। एम्प्लॉयज इनहेरिटेड फॉर द बिजनेस मे नॉट बी सूटेबल, मैं आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत है और रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं है, इसलिए पहले कहा कि आप वर्कर को जान लें, वर्कर का इंटरव्यू ले लें, उनके बारे में राय ले लें कि ये बिजनेस के प्रॉब्लम एचआर के साथ तो नहीं है। अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन, तो लोकेशन चेंज कोई ओवरनाइट नहीं हो सकती है। अगर आपने एक जगह ली एक करोड़ की, तो बेटर लोकेशन अगर 2 करोड़ की है तो आप तो वैसे ही फंस गए, और आपने तो ले लिए, अब आपसे कौन लेगा। तो बेसिकली आप देख लें, चलता हुआ बिजनेस पे आपको नज़र आ रहा है तो आप फ्यूचर भी देख लें उसका, कि फ्यूचर में यहाँ क्या पोजीशन होगी, क्या नया एरिया डेवलप हो रहा है, नई जगह हो रही है, तो लोग यहाँ से, कस्टमर यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, क्या गवर्नमेंट चेंजेस आ, कई बिजनेसेस आप सिर्फ ये देख लेंगे, ओवरहेड ब्रिजेस बन गए जिसकी वजह से जो साइट पे दुकानें थी उसकी वैल्यू 50% के लिए, अब उनको थोड़ी पता था कि ओवरहेड बिजनेस कल बनना था। पीपल हु आर शार्प, वो तो हर चीज़ मालूम कर लेते हैं पहले से, प्रॉपर्टी वाले से डील करते हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी चले जाते हैं कि फ्यूचर में कहाँ का क्या होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितनी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है उतने अच्छे डिसीजन होते हैं। फिर है ऑब्सोलेट और इनएफिशिएंट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, मैंने इसका अपने डिस्कस पहले ही कर लिया इसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि मसले पैदा हो सकते हैं जिससे आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम नीचे जा सकती है, बल्कि एट टाइम्स ख़त्म हो जाती है, कि आपने थोड़े अर्से कमाया होता है और सब गंवा देते हैं, क्योंकि वो विद टाइम उसको अपग्रेड करना पड़ता है सब चीज़ों को, तो इट रिक्वायर्स मनी, स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप मिसाल के तौर पर इन्वेंट्री को ले लें, अगर आपका बहुत कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है तो आप देखें लैपटॉप प्रिंटर्स उनके एक्सेसरीज उनकी प्राइसेस किस तरह गिरती है और नए प्रोडक्ट किस तरह आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो अगर इसकी इन्वेंट्री रह जाए हमारे पास तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये तो आए और निकाले माल को, तो ये क्या आपके इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि ये निकलती हैं क्या आपका बिजनेस इतना वेल कनेक्टेड है सारे मार्केट के अंदर कि आपके 2000 कस्टमर्स हैं तो एक दिन के अंदर आप कनेक्टेड हो जाते हैं सबसे और सबसे चीज़ें बेचते हैं? नहीं है, तो आप उनको देख रहे हैं जो इस तरह बिजनेस कर रहे हैं, उसको देख कर अपना बिजनेस खोल लें, तो सारे बातें मसले में तो आना है, मसले में तो आएंगे। द चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग चेंज, अब देखें यहाँ पर चैलेंज होता है कि क्या चीज़ चेंज करनी है, तो हर आदमी के पास इतना सेंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है, एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, तो यू नीड टू हैव एक्सपर्ट हु इज गुड इन एनालाइजिंग द सिचुएशन। हमारे दिमाग में एक चीज़ किसी तरह से भी घुस गई है, वो ये कि पढ़ा लिखा आदमी है ना, सर पढ़े लिखे तो सभी हैं दुनिया में, मगर चीज़ों को देखने का एंगल और उसको एनालिसिस करने के तरीके हर एक के पास नहीं है और आते नहीं हैं। डॉक्टर्स तो बहुत है, वो 10 टेस्ट कराते हैं, 10 एक्सरे कराते हैं तो भी उनको नहीं पता चलता कि बीमारी क्या है, और बहुत से एक्सपर्ट होते हैं आपकी चाल ढाल और आवाज़ से और आप फिज़िकली मैस करके बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है, फिर वो एक स्पेसिफिक टेस्ट करा लेते हैं टू मेक श्योर कि उनके व्यूज़ जो उनके एनालिसिस है वो सही है या नहीं है, और जब वो सपोर्ट कर देती है उसको वो इलाज शुरू कर देते हैं, वो सारे टेस्ट करके नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है क्या। तो एनालिसिस हर आदमी का काम नहीं है क्योंकि हर आदमी का काम नहीं है तो डॉक्टर भी आदमी है, तो हर डॉक्टर का काम नहीं है कि वो ये कर सकते, तो आप जब कहते हैं ना ये डॉक्टर अच्छा है ये बुरा है, तो स्किल्स उसकी डिफरेंट है, इसलिए पढ़ाई से कोई ताल्लुक नहीं कि कहाँ पढ़ के आया था और कितनी डिग्री है उनके पास, हम क्या करें उसको, हमारा मर्ज जल्दी ठीक करे, इज द बेस्ट डॉक्टर। तो और हम देखते हैं कि ये अमेरिकन डॉक्टर है, फलाना डॉक्टर है, वहाँ से पढ़ के आया था, ये इतना एक्सपीरियंस है, हम क्या करें क्या उसको, और फिर वो लोग भी उसी टाइप के हैं,
एक ऐसे सेगमेंट में वो फेमस हो जाते हैं जहाँ वो खूब पैसा बना रहे होते हैं, तो लोग भी बन रहे होते हैं उनके साथ। याद रखें कि एनालिटिकल टूल जो